लुधियाना पुलिस ने उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर तीन नौजवानों को रोक के उन्होंने तलाशी ली गई तो उन्होंने कोलों बड़ी गिनती च हथियार बरामद हुए ने। तस्वीरें च देखा जा सकता है कि पुलिस के वलों तीन मुलजम गिरफ्तार किए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुलजमान के कोलों बरामद किए गए हथियार भी पुलिस के वलों दिखाए जा रहे हैं। मुलजमान को गिरफ्तार करने तो बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मुलजम इन हथियारों नाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक च सी, पर इस पहले ही पुलिस ने मुश्तैदी दिखाउंदियां इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस नाल ही पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि इन मुलजमान के तार किसी गैंग नाल भी जुड़े हो सकते हैं, इस संबंधी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। और इंटरसैप्ट करने के बाद जो उन्होंने पूछताछ अटे सर्च की गई इन ड्यू कोर्स तो उन्होंने तीन नजायज हथियार जोड़े वो मिले हैं। इन्हों एक डबल बैरल तमंचा 315 बोर का, एक सिंगल बैरल तमंचा जोड़ा 315 बोर का, और एक सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 45 गोलियां जड़ी हैं इन सारे तो 315 बोर की, तो दो जड़ी हैं 32 बोर की मिली है। जोड़ा एक तरीके से एक बहुत बड़ा जोड़ा इन वालों वैपन इकट्ठे करके कोई ना कोई व्युतबंदी की जा रही थी शहर में कुछ ना कुछ जी वारदात करन दी, वो चीज़ को असी जोड़ा है रोकन कामयाब होए हैं। इन बंदियां तो 25 ग्राम के करीब हैरोइन भी बरामद हुई है, और जोड़े तीन शख्स हैं इन बॉबी सिंह, एक मनोज सॉरी दीपक, तो एक तीजा बंदा जोड़ा अनमोल ठाकुर। ये तीन बंदे जोड़े ने असी टोटल इन अरेस्ट किए हैं, जोड़े बॉबी सिंह जो है वो पहले भी एक डिवीजन नंबर 3 NDPS एक्ट का केस है, बाकी दो दे बारे हाले असी पूछताछ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द तो जल्द इन्हां ते होर खुलासे होणगे। असी ये वर्क करते पे हैं कि ये वैपन जोड़े ने इन्हां नूं कित्थों मिल रहे सी और किस तरीके से इन्हें भारी मात्रा में जोड़ा गोली सिक्का इन्हां दे इन्हां वल्लों खरीदया गया, तो कित्थे इन्हां ने इस नूं वरतना सी इस्तेमाल करना सी, तो ये किसी गैंग का हिस्सा है नहीं है। तो ये टोटल जोड़ा है कार्रवाई जी है अज स्पेसिफिक इनफॉरमेशन डेवलप करके डिवीजन नंबर 6 की पुलिस वालों जो अंजाम दी गई है, ये मैं मानता है कि एक बड़ा स्टेप है साढ़े वालों जो नजायज हथियार प्रोलीफरेट हो रहे हैं पंजाब दे विच और खास तौर से लुधियाना विच उन्हें रोकण दे लई, और असी उम्मीद करते हैं इस कड़ी विच अगे काम करते हुए जो लीड्स मिलनगी असी जो डेफिनेटली उन्होंने जोड़ा कुछ ना कुछ होर इन्हां दे जोड़े सोर्सेज हैं उन्होंने वर्क करके और इस तरीके के जो नेटवर्क है उन्होंने तोड़न विच कामयाब हो। सर चिट्टा लैके आए जो लैके 25 ग्राम तो मिले वा ये कितने दिन इन्होंने अगे भी बंदे इस बारे हाले पूछताछ हो रही है, पर बॉबी सिंह के उत्ते पहले भी जोड़ा एक बार केस दर्ज है, और नॉर्मली जो चिट्टे की सप्लाई है वो या तो दिल्ली से ज़्यादातर होती है या जड़ा है कई बार ये बॉर्डर एरियाज विच पंजाब दे जा करके लेके आंदे। सर कीमत किन्नी का जी इंटरनेशनल मार्केट देखो असी है ना कीमत नहीं दस सकते बेसिकली केड़ी जगह ते बनेगी बेसिक मैंने दस्या सी जी ये पावा कट है जो गिल चौक दे नेड़े है शिमलापुरी दे नेड़े उत्थों जा करके पुलिस वालों इनू उन्हां नू तिन्नां नू स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ते अरेस्ट किया गया। सर जेड़ा फड़े आ लुधियाने दे या के बाहर दे ये बंदे सारे लुधियाना दे रहण वाले, उन्हां विचों दो बंदे जड़े ने वो मनोहर नगर इलाके दे रहण वाले, ते एक जड़ा इन्हां विचों मुरादपुरा जो है लुधियाने दा रहण वाला। सर इन्हां दा पहले किथे होया सी जी आपस जो बॉबी सिंह दे उत्ते एक पहले केस NDPS एक्ट दा डिवीजन नंबर 3 विच दर्ज है। ओके दस दी कि इन मुलजमान के कोलों पुलिस ने जो हथियार बरामद किए ने उन्होंने करीब 47 कारतूस शामिल ने। इन्ना ही नहीं एक डबल बैरल पिस्तौल 315 बोर, एक सिंगल बैरल पिस्तौल 315 बोर अते एक 32 बोर दी सैमी आटोमैटिक पिस्तौल पुलिस ने वालों बरामद की गई है। इस नाल ही इन मुलजमान के कोलों 25 ग्राम हैरोइन बरामद होने की पुलिस के वालों गल भी आखी गई है। फिलहाल हुण देखना होगा कि पुलिस के वलों इन मुलजमान तो पुछगिछ दौरान होर केड़े बड़े खुलासे होंगे ने। लुधियाना तो लखविंदर सिंह पंजाबी लोक चैनल।